हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस फॉर टुमारो। तो एज एक्सपेक्टेड निफ्टी में करेक्शन एक्सपेक्टेड था, वो हमें देखने को मिला। निफ्टी बंद हुआ है 17,170 पे, लगभग 155 पॉइंट नीचे, लगभग 1% डाउन। तो यहाँ हम वीकली चार्ट पे देखेंगे। तो इस वीक की शुरुआत नेगेटिव क्लोजिंग के साथ हुई है और ये होना ही था क्योंकि यहाँ रिट्रेसमेंट आना ही था। तो यहाँ जो है, तो अभी हम जो 20 वीक का एवरेज है उसके अराउंड ट्रेड कर रहे हैं और उसके अराउंड ही क्लोजिंग आई है वीकली चार्ट पे। और यहाँ जो है, तो ये बाउंस बैक कंटिन्यू हो सकता है। मुझे लगता है कि इस वीक में हमें ऊपर के लेवल ही देखने को मिलेंगे। यहाँ वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, मैं ऑलरेडी आपको ये बता चुका हूँ। और हमने आज भी जो है, तो वीक्स को लगभग 9% ऊपर जाते हुए देखा है। तो दोनों तरफ के आपको मूव देखने को मिलेंगे। अगर डिप्स मिलता है तो वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ऊपर जो है तो 17,600 के टारगेट मुझे लगता है कि निफ्टी दिखा सकता है। तो यहाँ हमारा बाय ऑन डिप्स व्यू रहेगा। अभी देखते डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे जैसे मैंने कहा था कि हम डिप्स पे बाय करेंगे, तो यहाँ आपको जो है, तो 16,850 से लेकर 17,000 का जो रेंज है उसको टारगेट करना है। उस रेंज में आता है निफ्टी, तो आपको लॉन्ग करना है निफ्टी। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 16,700 के नीचे रहेगा एज पर डेली चार्ट। और आपके जो स्विंग टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 17,400 और 17,600 के टारगेट रहेंगे। तो डेली चार्ट पे आपको जो है, तो यहाँ मेजर सपोर्ट है लगभग 16,850 और 17,000 के अराउंड। तो उस रेंज में आपको एंटर करना है। आपके टारगेट रहेंगे 17,400 से लेकर 17,600 के। और यहाँ वोलेटिलिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। आपको ऊपर दोनों तरफ जो है, तो मूवमेंट आती हुई दिखेगी मार्केट में। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ अभी आवरली चार्ट देखते हैं। तो एज पर आवरली चार्ट, अभी करंट लेवल पे हम 20 आवर का जो एवरेज है उसके करंट उसके अराउंड ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ से भी रिवर्सल आ सकता है। अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 17,000 का, टारगेट रहेंगे 17,400-17,600। अगर यहाँ से नीचे जाता है मार्केट तो आपको एंटर करना है 16,900 से लेकर 17,000 के बीच में। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 16,750 के नीचे, जो S1 है उसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है। तो 16,750 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। आपके टारगेट सेम रहेगी 17,400 और 17,600 इस हफ्ते के लिए। तो टारगेट हमारे सेम है, सिर्फ आपका जो है, तो एंट्री जोन बदलता रहेगा। अगर करंट लेवल से रिवर्सल आता है तो आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 17,000 का बनेगा। नीचे जाता है मार्केट तो आपको एंटर करना है 16,900 से लेकर 17,000 के बीच में। 16,750 के नीचे स्टॉप लॉस, 17,400-17,600 के जो है, तो पोजिशनल टारगेट आपको लेकर चलना है। ऑप्शन ट्रेडर के लिए सेम रहेगा। अगर करंट लेवल पे आपने लॉन्ग किया कॉल ऑप्शन तो आपका 17,000 का स्टॉप लॉस है। उसके नीचे फ्यूचर जाता है तो उस ऑप्शन में से निकल जाना है। फिर आपको वेट करना है, और अगर जब निफ्टी 16,900 के करीब आएगा तब आपको लॉन्ग करना है। उस लेवल पे निफ्टी आता है तो आपका 16,900 का ही कॉल ऑप्शन उसमें एक्युमुलेशन करना है। स्टॉप लॉस सेम रहेगा 16,750। अगर फ्यूचर 16,750 के नीचे स्लिप करता है तो उस ऑप्शन में जो भी लॉस होगा वो लेकर निकल जाना पड़ेगा। ऊपर 17,400-17,600 ये टारगेट रहेंगे। तो उस लेवल पे अगर निफ्टी आता है फ्यूचर, तो आपको उस ऑप्शन में लगभग 2x या फिर उससे भी ज़्यादा गेंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये रहा मेरा व्यू। यहाँ हम बाय ऑन डिप्स व्यू या स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। यहाँ हम शॉर्ट कर सकते हैं मगर इंट्राडे में। आई विल नॉट कैरी एनी शॉर्ट फॉर पोजिशनल बेसिस। आई ओनली कैरी और फोकस ऑन कैरिंग लॉन्ग। वो भी हम सपोर्ट के अराउंड जब बाय करेंगे उसको ही कैरी करेंगे, उसी पोजिशन को कैरी करेंगे। तो यहाँ लॉन्ग का ही व्यू रखिए। और 17,400-17,600 के टारगेट मुझे एक्सपेक्टेड इस वीक में। तो आई होप सो, जैसे मैंने कहा था यहाँ हम डिप्स पे बाय करेंगे। तो आज हमें एक डिप्स मिला है। अभी देखना है कि कल फिर से हमें नीचे के लेवल देखने को मिलते हैं कि नहीं। अगर नीचे के लेवल मिलते हैं तो हम बिल्कुल वहाँ लॉन्ग जाएंगे और अच्छे खासे पोजिशन बनाएंगे 16,900 के अराउंड विथ अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 17,400-17,600 के टारगेट के लिए। तो आई होप सो कि ये जो एनालिसिस आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई प्रीमियम सर्विस, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।